जय हो। आज एक और कहानी सुनते हैं कारपेंटर की। कारपेंटर ने क्या किया, कैसे किया, वो सारा आप उस कहानी में जानेंगे। एक बार की बात है कि किसी गांव में कारपेंटर हुआ करता था। वो अपने काम में इतना कुशल था कि दूर दूर तक उसकी ख्याति थी, सब लोग उसे जानते थे। वो एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी भी करता था। उस कारपेंटर ने बहुत से शानदार घर अपने हाथों से बनाए थे, इसलिए उसका मालिक भी हमेशा उससे बहुत खुश रहता था। वक्त के साथ वो कारपेंटर अब बूढ़ा हो गया। अब उसने ये धंधा छोड़ करके आराम की जिंदगी गुजारने का विचार किया। एक दिन उसने यही बात अपने मालिक को बताई। उसको देख करके लग रहा था कि उसका काम में पहले की तरह अब मन नहीं लगता है। वो ये काम करते हुए थक गया है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था तो मालिक ने उससे विनती की कि अभी बिजनेस में बहुत काम बाकी है, मैं तुमको जाने नहीं देना चाहता, लेकिन तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक विनती है कि एक बड़ा बंगला बनाने का काम आया है, तुम एक बार वो बंगला अपने हाथों से तैयार करवा दो, उसके बाद तुम चले जाना। कारपेंटर को भी मालिक की बात अच्छी लगी। उसने सोचा, चलो एक ही तो बंगला है, इसे भी निपटा देता हूँ। वो कारपेंटर अगले दिन से नए बंगले में काम पे लग गया, लेकिन उसका मन अब इस काम में नहीं लगता था। इसी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। उसने बंगले को बनाने में कोई खास मेहनत नहीं की थी। वो आधे अधूरे मन से आखिरी बंगला तैयार कर रहा था। कुछ दिन बाद वो बंगला बनकर तैयार हो गया। मालिक जब देखने आया तो समझ गया कि इस कारपेंटर ने इसे अपनी पूरी मेहनत से नहीं बनाया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बाहर आया और एक चाबी जेब से निकाल कर उसको दी और कहा कि तुमने पूरे जीवन में मेरी सेवा की है, ये बंगला तुम्हारे लिए पुरस्कार है। अब तो उसके पसीने छूट गए। मन ही मन में बोला कि अगर मुझे पता होता कि ये बंगला मेरा है तो मैं इसे बहुत अच्छे से बनाता। मैंने जीवन भर लोगों के लिए अच्छे अच्छे घर बनाए, लेकिन जब अपना घर बनाने का नंबर आया तो सबसे बेकार बना डाला मैंने। ये कहानी हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जिंदगी में हर एक काम महत्वपूर्ण है। हर काम को पूरा मन लगा करके कीजिए, क्या पता आपको ये काम ही आपको सफलता तक ले जाए। हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन समय निकल जाने के बाद मन में सोचते हैं कि हम इसको और बेहतर बना सकते थे। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी जीता है और जीवन भर बहुत सारे काम भी करता है, लेकिन बूढ़े हो जाने के बाद याद आता है कि हम अपनी जिंदगी को और सुनहरा बना सकते थे, इसमें और भी रंग भरे जा सकते थे। हम कई बार जीवन में कुछ गलत आदतों में पड़ जाते हैं, हालांकि हमें पता है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को नहीं सुधारते। लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो याद आता है कि काश हमने समय पर सही काम किए होते। जो भी काम करो पूरे दिल से करो, क्या पता आपको यही पल आगे आने वाले कल के लिए अच्छी सौगात लेकर आए। उस कारपेंटर की तरह सोचिए, हम रोज सुबह उठते हैं, फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्या आप रोजाना पूरे दिन हर काम पूरे दिल से करते हैं? सोचिए कि जीवन एक मकान है और हम एक उस कारपेंटर की तरह हैं। इस मकान को कैसा बनाना है ये तो आपके हाथ में है, तो देर किस बात की। इसे ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाइए, हर दिन सुंदर बनाइए, प्रतिदिन बनाते जाइए। जब ये जीवन रूपी मकान बन करके खड़ा होगा तो वास्तव में ये बहुत शानदार होगा और तुम्हारा अपना होगा। जय हो, आपका दिन मंगलमय हो, जीवन खुशियों से भरे, चारों तरफ आनंद ही आनंद की बरसात हो। उठो, जागो, रियाज करो।